हेलो फ्रेंड, मैं राधे स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल न्यू अकेडमी में। आशा करते हैं आप लोग अच्छे होंगे। तो मित्र, आज हम लोग शुरू करने वाले एक नया टॉपिक क्लासिफिकेशन, जिन्हें हिंदी में कहा जाता है वर्गीकरण। इनके बारे में हम लोग जो है जितने टाइप के क्वेश्चन बनते हैं उनको आज कवर करेंगे। प्रीवियस वीडियो में हम लोगों ने क्या सीखा था, इनोलॉजी सीखा था। जो इनोलॉजी के विभिन्न टाइप बनते हैं, चार टाइप बनते हैं, उनको हम लोगों ने अच्छे तरीके से सीखा था। तो मित्र, अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए, ये आपसे आग्रह है। तो आइए दोस्त शुरू करते हैं। क्लासिफिकेशन, वर्गीकरण में देखते हैं। इसमें भी क्या होता है, विजाति चुनना होता है हमें। इनमें दिया रहेगा चार ऑप्शन, इनमें से पूछेगा इनमें से कौन सा भिन्न है, इस समूह से कौन सा अलग है। तो हमको इसी क्लासिफिकेशन में यही जो होता है हमको देखना होता है। तो आइए देखते हैं जो तीन टाइप बनते हैं क्लासिफिकेशन में। पहला तो क्या देख रहे हैं हम लोग, वर्ड क्लासिफिकेशन। वर्ड क्लासिफिकेशन में देख रहे हैं कि एक वर्ड क्लासिफिकेशन हो गया, दूसरा क्या हो जाएगा, अल्फाबेट क्लासिफिकेशन। दूसरा किस टाइप का क्वेश्चन पूछा जाता है, अल्फाबेट क्लासिफिकेशन। तीसरा क्या हो जाएगा मित्र, नंबर क्लासिफिकेशन। जिस तरीके से इनोलॉजी में हुआ था, तो आप देखिए कि ये टाइप, तीन टाइप बनते हैं एग्जाम में क्वेश्चन। तो आप देखिए इसमें से पूछेगा निम्न में से कौन सा भिन्न है, या इस समूह से कौन सा भिन्न है, इस समूह से कौन सा अलग है। तो इस तरीके से क्वेश्चन पूछता है वर्ड क्लासिफिकेशन में। तो आइए देखते हैं, जैसे सिंह हो गया, तेंदुआ हो गया और सांप हो गया, बाघ हो गया। अब इसमें तो पूछता है कौन सा भिन्न है, तो आप क्या बताएंगे, सांप। इसमें से कौन सा भिन्न है, तो सांप हो जाएगा। इसके पैर नहीं होते हैं, जानते हो आप, सांप जो है देखता है। ये जो हो जाएगा इनमें से अलग कौन सा है, सांप हो जाएगा। इसके बाद दूसरा क्वेश्चन पूछता है इसमें से, इनमें से कौन सा अलग है, कपास हुआ, सरसों हुआ, मटर हुआ, तिल हुआ। तो इनमें से कौन सा अंतर हो जाएगा, ये रुई है कपास, ये अंतर, इसमें से भिन्न कौन सा है, तो कपास भिन्न हो जाएगा। इसके बाद इसमें आते बहन हुआ, बेटी हुआ, आंटी हुआ, भतीजा हुआ। तो आप देखकर ही पता चल रहा है कि भतीजा अलग हो जाएगा, ये अलग जनरेशन के होंगे। ठीक है दोस्त, तो ये हो जाएगा। तो हम लोगों का तीनों क्वेश्चन जो है इसी टाइप के क्वेश्चन जो है, इसमें एक वर्ड क्लासिफिकेशन पूछा जाता है। आप जो है अपने बुक से जो है और ज्यादा से ज्यादा एग्जांपल करिए। बस यहाँ एक प्रोफार्मा दे रहे हैं कि आपको इसी अकॉर्डिंग यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाएगा। अब आते हैं अल्फाबेट क्लासिफिकेशन में, देख रहे हैं पहला क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन और दो क्वेश्चन हमने लिया है अल्फाबेट क्लासिफिकेशन से। आप देखिए इनमें से चारों विकल्पों में से निम्न विकल्पों में से कौन सा भिन्न है। तो आपको देखकर ही दिख रहा है कि सेकंड नंबर जो है ये भिन्न है। क्यों, क्योंकि ये वावल है, ए ई आई, और जो पांच होते हैं ना, ए ई आई ओ और यू होता है। तो आप यहाँ देख रहे हैं और बाकी में किसी में दिख नहीं रहा है। तो इसमें चारों के चारों वावल है, तो ये जो है अलग है। इसके बाद हम आते हैं दूसरे नंबर क्वेश्चन करते हैं, इसमें देखते हैं क्या हो रहा है। इसमें देखिए दोनों का अंतर है, अपोजिट है, अपोजिट इसका हो गया, इसके बाद इसका अपोजिट हो गया। इसका देखिए, इसका अपोजिट नहीं हुआ। इसमें देखिए क्रश हो गया, आजाद बॉय हो गया, अपोजिट है। इसमें भी देखिए हाई स्कूल हो गया और जंगल क्यून हो गया, अपोजिट हो गया। इसके बाद हम आते हैं उप और ड्यूपिया। तो इसमें देख रहे हैं इसका अपोजिट पी का अपोजिट नहीं है। पी का अपोजिट क्या होता है, पी का अपोजिट के होता है। तो ये जो है निम्न इसमें विकल्पों में से ये जो है भिन्न है। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, पहला ऑप्शन, तो ये हो जाएगा। इसके बाद नंबर क्लासिफिकेशन में आते हैं। अब इसमें देखते हैं, तो इसमें आप जानते हो किसी में वर्ग भी होता है, किसी में जोड़ होगा, किसी में घटाव होगा, ये सब चीजें होता है नंबर क्लासिफिकेशन में। अब देखिए इसमें से देखिए, बताइए इसमें से कौन सा अलग हो रहा है। तो आपको देखकर मिल रहा है कि सब अभाज्य संख्याएं हैं, 19, 11, 29 और भाज्य संख्या कौन सा है, 57 जो है भाज्य संख्या है। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 57 हो जाएगा, ये हो जाएगा। इसके बाद हम लोग इसमें आते हैं, इनको देखते हैं इनमें क्या डिफरेंट है। तो इनमें जो है इनका सम कर दिया, डिजिट सम कर दिया, तो कितना हो गया, इसका डिजिट सम 9 हो गया। इसका डिजिट सम कितना हो जाएगा, 6, 3, 9 हो जाएगा। और इसका डिजिट सम कितना हो जाएगा, 4, 2, 6, 1, 7 हुआ। इसका डिजिट सम देख रहे हैं कितना है, तो 9 हो गया। तो इन निम्न विकल्पों में से कौन सा विकल्प अलग है, तो आपका 124 जो अलग है। ठीक है दोस्त, ये हो जाएगा। इसके बाद हम आते हैं, इसमें आते हैं
तीसरे नंबर क्वेश्चन को देखते हैं कैसे करते हैं। इसमें देख के आपको पता चल रहा है तीन का वर्ग है, चार का है, ये पांच का है, तो लास्ट में छह का होना चाहिए मित्र, 36 होना चाहिए छह का वर्ग, लेकिन जो है यहाँ क्या है 35 वर्ग, तो इनमें से कौन सा भिन्न है, तो चौथा ऑप्शन जो है भिन्न है। इसके बाद मित्र आते हैं अलग क्वेश्चन को करते हैं, दूसरे नंबर के क्वेश्चन के दूसरा टाइप है, इसको आप लोग करिए। देखिए इसमें क्या हो रहा है, आगे की संख्या उल्टा हो जा रहा, पलट जा रहा है, इसका पीछे की पहले हो जा रहा, आगे आगे का बाद में हो रहा। देखिए 45 तो 45 पीछे चला जा रहा, चार पीछे चला जा रहा, और इसमें भी देख लीजिए, इसमें देख रहे हैं कि इसमें अलग है, तो आपका भिन्न कौन सा हो जाएगा, यही ऑप्शन जो है आपका भिन्न हो जाएगा। तो क्लासिफिकेशन भी जो है आपके प्रैक्टिस पर ही है, आप प्रैक्टिस करेंगे बस, यही है इसमें, यही सब होता है, अब बाकी कुछ नहीं है इस टॉपिक में। क्लासिफिकेशन जैसे इनोलॉजी में आपको परिश्रम करना होगा, वहाँ भी बहुत समझाने की जरूरत नहीं होती है, आपको अपने जो है पोटास पे अपने एनर्जी पर ही जो है और जो है परिश्रम पर ही वो टॉपिक है इनोलॉजी। और ये क्लासिफिकेशन भी देख रहे हैं कि इसमें भी आपको तो नॉलेज ही होना चाहिए सब चीज़ें। जैसे अब यहाँ हम राजधानी दे देते हैं, यहाँ राजधानी दे देंगे एक देश दे देंगे, तो पूछेंगे इनमें निम्न में से कौन सा अलग है, तो राजधानी भी यहाँ पूछा जा सकता है, देश का नाम पूछा जाएगा, यूटी पूछा जाएगा, यूटी यहाँ तीन यूटी दे देते हैं, ये कोई अदर राज देश की यूटी दे देंगे या अदर देश नाम दे देंगे, तो पूछेगा कौन सा भिन्न है। तो यहाँ बहुत तरीके से क्वेश्चन बनेंगे, बस यही है आपके दिमाग में ये चलना चाहिए, रीजनिंग चलना चाहिए, कितने टाइप से पूछे जाते हैं, तो टाइप आप देख रहे हैं इसी में पूछा जाएगा, बस इसमें हमको जितना ही नॉलेज होगा उसमें और ग्रोथ हम करेंगे। तो आप लोग ऑथेंटिक बुक का जो है, कोई ऑथेंटिक बुक हो उसका जो है प्रयोग कीजिए। इसके बाद यहाँ भी इसी तरीके से है, यहाँ भी नंबर क्लासिफिकेशन में आई, मिक्स करके नहीं पढ़ाएंगे मित्र, क्लासिफिकेशन भी होता है, एनोलॉजी भी होती है, नॉन वर्बल होगा, तो नॉन वर्बल एनोलॉजी जो है अगले जब नॉन वर्बल पढ़ाएंगे रीजनिंग, तो वहाँ उसको कवर करेंगे। नॉन वर्बल क्लासिफिकेशन भी होता है, अब इसी में से हम इसमें पूछ लेंगे, इस तरीके से बना देंगे, डायग्राम बना देंगे, इस तरीके से डायग्राम बना देते हैं, तो इसमें पूछे कौन सा भिन्न है, तो क्लासिफिकेशन हो जाएगा, ये भी टाइप है, एनोलॉजी भी टाइप रहेगा। तो इसी में आप देखिए, ये हो गया एनोलॉजी, यहाँ क्या रहेगा, तो ये एनोलॉजी हो गया, तो नॉन वर्बल रीजनिंग आएगा, मिक्स करके नहीं पढ़ा रहे मित्र, सबसे अलग तरीके से एक आपके दिमाग में चला रहे हैं कि इस तरीके से रीजनिंग चलना चाहिए करने के लिए, तो आप प्रैक्टिस करेंगे तो आसानी से सब क्वेश्चन अच्छा कर जाएंगे। तो ठीक है मित्र, मिलते हैं कल के वीडियो में, और अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कराइए, सब्सक्राइब करिए, और वीडियो पसंद आता है तो लाइक करिए। ठीक है मित्र, मिलते हैं अगले और बेहतर क्लास में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखना, अपने माता पिता का ख्याल रखना, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।